हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेविड क्रिएशन पर। अभी जो आपने प्रीव्यू में देखा है उस तरह का वीडियो बनाना बहुत आसान है, बस उसे बनाने के लिए हमें अलर्ट मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर देना है, उसके बाद प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना है। अब यहाँ पे 9:16 का रेशो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है। अब हमें टाइमलाइन में ऑडियो ऐड करना है, तो उसके लिए प्लस वाले आइकन पे टैप कर देना है, ऑडियो पे चल जाना है और यहाँ से ऑडियो ले लेना है। अब ऑडियो लेने के बाद यहाँ पे हमें बैकग्राउंड के लिए एक फ़ोटो ऐड करना है, तो उसके लिए भी प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना है, मीडिया पर चल जाना है और यहाँ से फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद इसे डुप्लीकेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर टैप कर देना है और डुप्लीकेट लेयर कर देना है। अब बैक वाले फ़ोटो पर टैप कर देना है, थ्री डॉट पर टैप कर देना है और यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया पर टैप कर देना है। अब यहाँ पे हमें ब्लर वाला इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए इफेक्ट पे चल जाना है, आईडी पे कर लेना है और यहाँ पे इनर ब्लर सर्च कर लेना है, कैंडर सेटिंग, और इसकी स्ट्रेंथ अपने हिसाब से बढ़ा लेनी। बैक चल जाना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे आ जाना है और इसकी ओपेसिटी 75% कर देना। अब बैक चल जाना है। अब यहाँ पे हमें एक शेप ऐड करना है, तो उसके लिए भी प्लस वाले आइकन पे टैप कर देना है और ये वाला शेप ले लेना है। अब एडिट शेप पे चल जाना है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 450 कर देंगे और वाई की वैल्यू 600 कर देंगे और रेडियस 100 कर देना है। अब बैक चल जाना है। अब फोटो को शेप के साथ मास्क कर देना है, तो उसके लिए शेप पे होल्ड करके रखना है और फोटो को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे टैप कर देना है, तो ये मास्क हो जाएगा। अब ग्रुप पे टैप कर देना है, बॉर्डर एंड शैडो पे चल जाना है, सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है, शैडो को इनेबल कर देना है और साइज थोड़ा इंक्रीज कर देना है, अल्फा 75% कर देना है और पोजीशन 0:0। अब बैक चल जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको जो पीएनजी दिया है उसे डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये है कुछ इस तरह का पीएनजी है। अब इतना होने के बाद सभी मटेरियल को वीडियो के लास्ट तक ले आना है, तो उसके लिए बाकी सबको सिलेक्ट कर देना है। अब लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे टैप कर देना है। अब इतना होने के बाद एक वीडियो ऐड करना है, म्यूजिक बार वाला, तो उसकी भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। तो कुछ इस तरह से है वीडियो वो। अब वीडियो पर टैप कर देना है, ब्लेंडिंग ऑपोसिट पे चल जाना है, लाइटन पे आ जाना है और यहाँ पे लाइटन पे टैप कर देना है। अब बैक चल जाए, मूव एंड ट्रांसफर पे चल जाना है और इसे एडजस्ट कर देना है। आप जहाँ चाहो ऐड कर सकते हो। बैक चल जाए, तो इस तरह से हमारा वीडियो पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका होगा। अब इसे गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर टैप कर देना और एक्सपोर्ट पर टैप कर देना। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताएगा, पसंद आया तो लाइक करेगा और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।